आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे गेम्स के बारे में बताऊंगा जिनमें इंडियन गॉड्स का रेफरेंस दिया गया है। अगर आपने कोई ऐसा गेम खेला है जिसमें इंडियन गॉड्स का रेफरेंस दिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। स्काई ब्लेजर के डेवलपर यूकीओटी और सोनी इमेज सॉफ्ट हैं और पब्लिशर जो है वो सोनी है। इस गेम को निंटेंडो स्विच के लिए 1994 में बनाया गया था, इसलिए इसके ग्राफिक्स कुछ खास अच्छे नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म जॉनर का गेम है, बट अगर स्टोरी की बात करें तो गेम का प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम स्काई ब्लेजर है वो लॉर्ड विष्णु जी के वाहन गरुड़ा जी का एक जापानीज वर्जन है और स्काई अशोरा को ढूंढ रहा है जिसने जादूगरनी अरियाना को किडनैप कर रखा है। इस गेम में ब्रह्मा जी और दशानन रावण का भी जापानीज वर्जन दिखाया गया है। टॉम रेडर 3 को डेवलप किया है को डिजाइन ने और पब्लिश किया है एल्डोज इंटरएक्टिव ने। इस गेम को 1998 में प्लेस्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए बनाया गया था। ये एक एक्शन एडवेंचर जॉनर का गेम है जिसकी मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है लारा क्रॉफ्ट। इस गेम में लारा अलग अलग जगह जाती है जैसे साउथ पैसिफिक, लंदन, नेवाडा, एंटार्क्टिका और इंडिया भी। इंडिया में आते ही इंडियन कल्चर दिखाया जाता है। गेम में बहुत से हिंदू मंदिर और हिंदू गॉड्स के स्टैचू दिखाए गए हैं और गंगा नदी को तो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है जो कि हिंदू धर्म की एक इम्पोर्टेंट नदी है। अनरेस्ट को क्रिएट किया है एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्टूडियो ने जिसका नाम है पायरोडेक्टल गेम्स, जो कि एक इंडियन पब्लिशर है। इस गेम को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस के लिए बनाया गया है। ये गेम 2014 में बनकर तैयार हुआ था और इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल आरपीजी गेम था। ये एक रोल प्ले जॉनर का गेम है। इस गेम की ग्राफिक्स 2D है। ये गेम एंशियंट इंडिया पर बेस्ड है जिसमें हम लोग नागा को दिखते हैं जो कि एक हाफ ह्यूमन एंड हाफ स्नेक है। इस नागा का जिक्र हमारे हिंदू रिलीजन में भी किया गया है। Uncharted 2 Among Thieves के डेवलपर Naughty Dog और Blue Point Games और पब्लिशर Sony Computer Entertainment है। इस गेम को PlayStation 3 के लिए 2009 में बनाया गया था। ये गेम Uncharted franchise का एक हिस्सा है और इतना फेमस हुआ कि गेम पे मूवी भी बन गई जो कि काफी हिट भी हुई। ये एक एक्शन एडवेंचर जॉनर का गेम है। इस गेम के चैप्टर 9 में ब्रॉन्ज की एक गणेश मूर्ति दिखाई गई है और इसके अलावा बहुत से मिस्टीरियस टेम्पल और गॉड्स को भी दिखाया गया है। इस गेम में एक स्पिरिचुअल प्लेस भी दिखाया गया है जिसका नाम संभाला है, जिसका जिक्र हिंदू माइथोलॉजी के काला चक्र तंत्र में भी शामिल है। असुरास रात को क्रिएट किया है साइबर कनेक्ट 2 ने और पब्लिश किया है कैपकॉम ने। इस गेम को प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए बनाया गया है। ये गेम हिंदू और बुद्धिस्ट मैथोलॉजी पर बेस्ड है जिसका मेन कैरेक्टर असुरा है, जिसकी वाइफ का नाम दुर्गा है और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम मिथ्रा है। दुर्गा का कैरेक्टर पूरा माता दुर्गा से लिया गया है। इसी चक्कर में इसे कॉन्ट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा है। यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म ने इसके खिलाफ काफी आवाज भी उठाई थी और कहा था कि रिलीजियस सिंबल का इम्पोर्टेंस दिखाया गया है। हनुमान वर्सेस महिरावना के पब्लिशर्स भी इंडियंस हैं। इस गेम की स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि जब श्रीराम और लक्ष्मण को रावण के सौतेले भाई महिरावना ने किडनैप कर लिया होता है तब हनुमान जी उन्हें कैसे बचाते हैं। इस गेम में HD ग्राफिक्स का भी यूज हुआ है। ये एक एडवेंचर जॉनर का गेम है। इस गेम को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है पर आप आज भी इसे थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करके खेल सकते हो। Beyond Good and Evil 2 एक अपकमिंग एक्शन एडवेंचर गेम है जिसे Ubisoft डेवलप करने जा रहा है। ये अपने पहले पार्ट का ही प्रीक्वल होगा जो कि 2003 में आया था। इस गेम में लॉर्ड गणेशा की एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई गई थी और साथ ही लॉर्ड शिवा की भी मूर्ति दिखाई गई थी और मंदिरों में पोस्टर्स वगैरह भी दिखाए गए हैं। इस गेम ने हिंदू रिलीजन को बहुत ही अच्छे से और इज्जत के साथ दिखाया गया है, जो इस गेम की सबसे अच्छी बात है। Uncharted The Lost Legacy भी पिछले Uncharted गेम की तरह ही Uncharted सीरीज पर बेस्ड है। ये एक एक्शन एडवेंचर जॉनर का गेम है जो कि 2017 में आया था। इस गेम की स्टोरी उस अध्याय पर आधारित है जब श्री परशुराम भगवान शिव से मिलने आए थे और गणेश जी ने उनका रास्ता रोका था, तो उन्होंने अपने फारसे से जो कि उनका एक एक्स था उन पे वार किया जिससे उनका एक टस्क टूट गया था। तो ये गेम की स्टोरी में भी उसी टूटे टस्क को ढूंढने की बात की गई है। इस गेम की प्रोटैगनिस्ट तमिलनाडु में उसे ढूंढती है। इस गेम ने हिंदू धर्म को काफी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। राजी एंड एंशिएंट एपिक के डेवलपर्स नॉडिंग हेड्स गेम्स हैं और Super.com लिमिटेड है। ये एक एक्शन एडवेंचर जॉनर का गेम है। इस गेम को निंटेंडो स्विच, प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 1 और विंडोज के लिए लॉन्च किया गया था। इस गेम की इंस्पिरेशन रामायण और महाभारत से ली गई है। इस गेम में हमें हिंदू गॉडेस दुर्गा भी दिखाई गई हैं। ये गेम अपने हिंदुइज्म को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करने में सक्षम है, इसलिए इस गेम को सेकंड नंबर पे रखा है। स्माइट रिलीजियस पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल गेम है। ये गेम 2014 में टाइटन फॉर गेम्स द्वारा बनाया गया है। ये गेम एक MOBA जॉनर का गेम है और PC, PS, Xbox, Nintendo Switch के लिए बनाया गया है। ये गेम सिर्फ हिंदुइज्म पे नहीं बाकी इसके अलावा जैपनीज, नॉर्स, स्लेविक, यूरोबा एटसेट्रा पे बेस्ड है। इंडियन गॉड्स में लॉर्ड शिवा, अग्नि, बकासुरा, गणेशा, काली, कुंभकर्ण, श्री रामा, रावण, वामना एटसेट्रा सबसे ज्यादा गॉड इसी गेम में दिखाए गए हैं। इस गेम के ऊपर हिंदुओं की धरना को ठेस पहुंचाने का एक आरोप भी लगाया गया था। इसके खिलाफ भी यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म ने आवाज उठाई थी। तो गाइज ये थे वो 10 गेम्स जिनमें इंडियन गॉड्स का रेफरेंस दिया गया है। आपको इनमें से कौन सा गेम सबसे अच्छा लगा है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर करना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ताकि गेम्स गॉसिप इंडिया पर आपको मिलता रहे रेगुलर गेमिंग कॉन्टेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।